आप देख रहे हैं एनवाइस 24/7 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में बलहा विधानसभा के हुए उपचुनाव की मतगणना हुई आज। जी हां, आपको बता दें कि बलहा विधानसभा में हुए मतदान की हुई मतगणना बहराइच के गल्ला मंडी में, जहां पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व तमाम आला अधिकारी रहे मौजूद। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल रहे मौजूद। इस अवसर पर मतगणना का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और लगभग 3 बजे तक ये कार्यक्रम चला, जिसमें बलहा से भाजपा प्रत्याशी सरोज सोनकर को जीत हासिल हुई। बता दें कि बहराइच की विधानसभा बलहा में एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी सरोज सोनकर ने भारी मतों से विजय होकर लहराया है जीत का परचम। मतगणना के अवसर पर बहराइच के नवीन गल्ला मंडी से जिलाधिकारी शंभू कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। ये बलहा विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, उसकी काउंटिंग आज है। 14 टेबल पे काउंटिंग हो रही है। एक टेबल पोस्टल वैलिट के लिए बनाया गया है और हर एक टेबल पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं, सबकी ट्रेनिंग हो गई है कैसे अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ काउंटिंग होनी है। हर एक टेबल पे जो अलग अलग कैंडिडेट हैं, उनके काउंटिंग एजेंट भी लगे हुए हैं। पूरे काउंटिंग की जो व्यवस्था है, उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, CCTV लगाए गए हैं और हर एक टेबल पर सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए हैं, ताकि शांति व्यवस्था के साथ हमारी काउंटिंग सम्पन्न हो। जब काउंटिंग समाप्त होगी, उसके बाद 5 बूथों के रैंडम सिलेक्शन के बाद उनके VVPAT मशीनों के भी पर्चियों की काउंटिंग होगी, मिलान की जाएगी। इस तरीके से जो निर्वाचन आयोग के जितने भी दिशा निर्देश हम लोग को प्राप्त हुए, हम सब का पालन करते हुए हम काउंटिंग को नियमानुसार संपन्न कराएंगे और हर एक कैंडिडेट के सामने जो है हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? रिजल्ट पिछले बार का हमें याद है कि पिछला जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, करीब 2 बजे तक में सारी प्रक्रिया संपन्न हो गई थी, तो उम्मीद है कि इस बार भी हम प्रोसेस को अच्छी तरीके से करेंगे और समय से हमारी काउंटिंग संपन्न। सर, विजय जुलूस वगैरह पर क्या? विजय जुलूस पे इलेक्शन कमीशन के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि काउंटिंग के रिजल्ट मिलने के बाद कोई भी पार्टी विजय जुलूस नहीं निकालेगी, क्योंकि ऐसे जुलूस के कारण कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है। तो हम लोगों ने भी ये सभी लोगों को इंटीमेट किया है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। के लिए वोटिंग की प्रक्रिया उस विधानसभा क्षेत्र में हुई थी जो सुरक्षा के घेरे में करवाई गई थी और कोई ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आई थी। उसी प्रकार से आज 24 तारीख को बलहा उपचुनाव के लिए जो वोटिंग हुई थी, उसकी मतगणना का कार्य आज यहाँ गल्ला मंडी थाना दरगाह में प्रारंभ हो गया है। इस पूरे परिसर को अर्धसैनिक बलों और सिविल पुलिस के माध्यम से सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। जितने भी एंट्री गेट्स हैं, वहाँ पर भी भारी पुलिस बल मौजूद है और जिनको पासेज इशू हैं या जिनको मतगणना के लिए यहाँ अंदर अलाउ करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, केवल उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पास नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो अप्रोच रोड्स हैं, उनके ऊपर हमारे बैरियर्स हैं, वहाँ पर भी चेकिंग लगातार चल रही है। CCTV के माध्यम से भी नज़र रखी जा रही है और हमें पूर्ण आशा है कि इस पूरी मतगणना का जो प्रक्रिया है, उसको शांतिपूर्वक ढंग से और सुरक्षा के घेरे में हम लोग संपन्न करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की विधानसभा बलहा में हुए उपचुनाव में एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी सरोज सोनकर ने 46,481 वोटों से विजय होकर जीत हासिल की है। बता दें कि बलहा विधानसभा सीट पर इससे पहले भाजपा से अक्षयबल लाल गौड़ विधायक रह चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में उन्हें बहराइच से सांसद चुना है जनता ने, जिसके बाद से बलहा सीट खाली हो चुकी थी। वहीं उपचुनाव में भाजपा ने सरोज सोनकर को बलहा से प्रत्याशी बनाया था। बलहा में हुए उपचुनाव में भाजपा की सरोज सोनकर ने सपा प्रत्याशी किरण भारती को 46,481 मतों से पराजित करते हुए भारी जीत हासिल की है। वहीं तीसरे नंबर पर रहे बसपा के प्रत्याशी रमेश गौतम को 31,633 व कांग्रेस प्रत्याशी मन्नू देवी की जमानत हुई जब्त।
इस प्रकार से भाजपा प्रत्याशी सरोज सोनकर को कुल मत 89,627, सपा प्रत्याशी किरण भारती को 43,146, बसपा की प्रत्याशी रमेश गौतम ने 31,633 वोट हासिल किए। जीत हासिल करने के बाद सरोज सोनकर ने क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। जिला अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों को देती हूँ और माननीय मेरे प्रदेश मंत्री अनूप जी जो करीब 3-4 महीने से यहाँ रहकर पार्टी की तैयारियां करा रहे थे और चुनाव उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लड़ाया और मैं अपनी बड़ी बहन के आशीर्वाद से, माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे एक टिकट प्राप्त हुआ और इन्हीं की आशीर्वाद से मुझे ऐतिहासिक जीत हासिल हुई और मेरे जिलाध्यक्ष श्याम कुमार टेकरीवाल जो मेरे बड़े भाई की तरह हमेशा मेरे सर पे अपना हाथ रखते रहे। अब ये माना जाए कि जल्दी विकास हो रहा है, उसके हाँ, विकास के लिए मैं पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके तो बलहा के विकास के लिए पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NY247 न्यूज पर। इस वक्त हम मौजूद हैं बैराज के गल्ला मंडी में जहां पर बलहा विधानसभा का उपचुनाव था, चुनाव की आज काउंटिंग थी। काउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी सरोज सोनकर को भारी मतों से विजय हासिल हुई है। आप हमारे पीछे यहां पर देख सकते हैं भारी संख्या में यहां पर उनके समर्थक यहां पर ढोल नगाड़े के साथ आ चुके हैं उनके स्वागत के लिए और अभी अभी कुछ ही देर पहले यहां पर उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है विधायक का और ये भारी उत्साह आप देख सकते हैं हमारे पीछे। भारी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हैं जो भी यहाँ पर ढोल तमाशों के साथ आ चुके हैं और उनके स्वागत के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। बहराइच से नूरआलम मोहसिन। भाजपा प्रत्याशी सरोज सोनकर की जीत के बाद उनके समर्थक में भारी उत्साह देखने को मिला जहाँ ढोल तमाशों के साथ लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे और भारी संख्या में लोगों ने उनसे मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी जीत की। वहीं इस अवसर पर मतगणना स्थल सरोज सोनकर के साथ पहुंची पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल, जहां उन्होंने विजय हुई सरोज सोनकर को शुभकामनाएं दी और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं इस अवसर पर सरोज सोनकर ने भी पूर्व राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के अवसर पर भारी संख्या में उनके समर्थक उन्हें पहुंचे और बुके दिया। वहीं जीत की खुशी हासिल होते ही सरोज सोनकर की आंखें हुई नम, खुशी से रो पड़ी सरोज सोनकर और भावुक होकर आंसू निकल पड़े सरोज सोनकर के। हो भी क्यों ना, चूंकि जीत का अपना एक अलग ही मजा होता है। वहीं इस अवसर पर सरोज सोनकर के साथ महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, हेमा निगम व उनकी तमाम सहयोगी रही साथ में मौजूद। ये थी हमारी खास रिपोर्ट और आप देख रहे थे NY247 न्यूज वेब न्यूज चैनल पर। ऐसे अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें NY247 न्यूज। बहराइच से नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। NY247 न्यूज वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे हमारी नोटिफिकेशन पहुंचे सीधे आप। NY247 न्यूज वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन पहुंचे सीधे आप तक और आप रहें हर खबर से अपडेट। तो अभी सब्सक्राइब करें NY247 न्यूज वेब न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं NY247 न्यूज़।